हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिनी मैजिक स्टूडियो। आज का जो वीडियो है प्रेसिंग से रिलेटेड है कि अगर जिनके पास प्रेसिंग मशीन नहीं होती है उनका भी मन चाहता है कि उनके बाल स्ट्रेट हों, तो अगर आपके पास प्रेसिंग मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं। आज जो मैं आपको प्रेसिंग बताना जा रही हूँ वो आयरन से होगी। उसके लिए आपको एक आयरन की जरूरत है और एक आपको क्लॉथ की जरूरत है टोटल। उसको आप 3-4 फोल्ड कर लेने हैं ताकि वो इतना मोटा बन जाए। जब आप इसके ऊपर हेयर रखेंगे और जब प्रेस से जब आप हेयर को दोनों को ऐसे प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो उससे ये होगा कि एक आपका हाथ नहीं जलेगा, और दूसरा इसमें जो बाल आएंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा। और जब हम प्रेस उसके ऊपर रखेंगे, हेयर के ऊपर जब हम इनको नीचे की तरफ लेके जाएंगे खींचते हुए, तो उससे क्या होगा, आपके जो बाल है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। और उनको जैसे प्रेसिंग मशीन्स में जो होता है कि दोनों साइड प्रेसिंग मशीन्स की जो प्लेट्स होती है उसके बीच में आपके हेयर लगते हैं और आप फिर उसे नीचे लेके जाते हो, सेम प्रोसेस हमने करना है ये क्लॉथ से और आयरन से। हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो आपके हेयर हो वो क्लीन होने चाहिए, वॉश होने चाहिए, उनमें ऑयल नहीं होना चाहिए और आपके हेयर 90% ड्राई होने चाहिए, क्योंकि ड्राई हेयर पे प्रेसिंग अच्छी होती है, वेट हेयर पे प्रेसिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपके जब हेयर एकदम क्लीन हो तो उसको आपने सबसे पहले कॉम करना है ताकि हेयर में कहीं पे भी जो टैंगल है वो ना हो। जब हम प्रेसिंग करते हैं, जब हम सेक्शन लेंगे तो उसमें हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब मैंने एक क्लॉथ लिया है, इसको 3-4 कर फोल्ड कर लिया है। अब मैं अपने हेयर को सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ईयर तक का सेक्शन। जो बाकी हेयर होंगे, अगर आपके पास क्लिप है आप उससे इसको टाई कर लीजिएगा, बट मैंने इसको ऐसे ही कान के पीछे लगा लिया है। अब मैं इन पार्ट फ्रंट पार्ट को भी दो में डिवाइड कर लूँगी ताकि जो प्रेसिंग है मेरी वो इजी हो। आपके पास जो प्रेस होगी आप उसे हीट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो प्रेस होगी उसका जो टेम्परेचर होगा आप उसे कम कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राइजा अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बाय हेयर आपके जल सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसका कम कर लीजिएगा टेम्परेचर। और टेम्परेचर कम करने के बाद आप जब भी अपने हेयर पर प्रेसिंग रहे, जैसे मैंने अभी किया है क्लोथ पे प्रेस ऊपर नीचे की है, आप वैसे कीजिए 1 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रेसिंग की जो हीट है वो कम हो जाएगी। एकदम से डायरेक्ट अपने हेयर पे मत आप प्रेस इस्तेमाल कीजिएगा, ऊपर नीचे करने के बाद फिर आप प्रेस कीजिएगा। अब मैंने इसको सेम प्रोसेस कॉम करके हेयर को क्लोथ्स पे रखा है, उसके बाद ऊपर आयरन रखी है और मैंने इसको थोड़ा प्रेस करके और इसे नीचे की तरफ हमने इसको लेके जाना है। अब देखिए ये प्रेस हो गए हैं। अब मैं जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी सेम ऐसी ही प्रोसेस में करूंगी। ये मैंने क्लोथ के ऊपर अपने हेयर रखे हैं, ध्यान से कीजिएगा। और अब मैंने प्रेस रखी है और इसको नीचे की तरफ हम लेके जा रहे हैं। आप प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा ताकि आपके स्कैल्प पे प्रेस ना लगे और मेक श्योर आपकी जो प्रेस है वो करंट ना लगाती हो आपको, और हीट इसकी कम रखिएगा। अब मैंने ऊपर जो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए थे हेयर सब एक साथ ले लिए हैं और अब इनको प्रेस पे मैंने किया है, प्रेसिंग कर रही हूँ इन पे। आप देखिए मेरे बालों में बिल्कुल जैसे प्रेसिंग मशीन से इफेक्ट आता है वैसे आ गया है। आप देख सकते हैं इनमें शाइन भी आ रही है। आप दोनों हेयर में कंपेयर कीजिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। और आप इनको और स्ट्रेट करने के लिए इनको नीचे से दोबारा से प्रेस कर सकते हैं। अब आप दोनों में डिफरेंट देख सकते हैं, एक साइड वेव्स है और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं और इनमें शाइन आ रही है। आपके बाल ड्राई होंगे ना तो आपके बाल उतने ही शाइन करेंगे, अगर जो वेट होंगे उनमें शाइन आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वेट हेयर पे जब हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से धुआं भी निकलता है। आप देखिए मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ और सिल्की लग रहे हैं। और इस साइड भी देखिए, ये प्रेस मैंने यहाँ पर नहीं की है, डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजी से कर सकते हैं।
अब सेम मैं इस साइड भी ऐसे इसको डिवाइड करके इसको टू पार्ट्स में ले लूँगी और सेम प्रोसेस मैंने इस साइड अब ज़्यादा बाल ले लिए हैं। आप प्लीज़ जब भी आप प्रेस का यूज़ करें तो उसकी हीट कम करने के लिए इसे पहले आप कपड़े पे रब कीजिएगा, उसके बाद अपने हेयर पे आप कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हीट आपको नहीं देनी है, प्रेस है। अब मैं ऊपर की साइड भी सेम प्रोसेस ले रही हूँ। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। और प्लीज़ स्कैल्प से आप जो प्रेस है वो थोड़ा सा दूर रखिएगा। स्टार्ट, आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल आराम से। इसे कॉम करने के बाद आप फिर दोबारा से प्रोसेसर आपने ऐसे ही करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं मैं जितनी बार ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसेस कर रही हूँ उतने बाल स्ट्रेट होते जा रहे हैं। अब मैंने फ्रंट का जो है इसे मैंने सेक्शंस में ले लिया है, सिर्फ ऊपर फ्रंट एरिया को ही मैंने लिया है। अब मैं इसको अब आगे की तरफ इसको प्रेस करूँगी ताकि जो पीछे से जो वेव्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब जो पीछे के हेयर्स हैं उनको भी हम इसी ही डायरेक्शन में जैसे मैंने फ्रंट के किए हैं वैसे करेंगे। पहले आप जो अपने दोनों साइड्स के हैं मैं इस साइड के भी कर लूँगी। मेरे पास प्रेसिंग मशीन्स भी है लेकिन कई बार मुझे जब जल्दी होता है तो मैं अपने हेयर को ऐसे ही प्रेस करती हूँ। अब मैं पीछे से इसको पार्ट में टू पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। अब देखिए मेरे पीछे के हेयर जितने भी हैं मैंने सारे इसको इस पे कवर कर लिए अपने क्लॉथ पे। अब इनको प्रेस कर रही हूँ। अब मैं पीछे से जो ले रही हूँ ताकि पीछे जो प्रेस मेरी यहाँ पे नहीं गई है तो हम यहाँ से लेंगे और इसको फ्रंट की तरफ करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने स्ट्रेट हो गए हैं, ये देखिए। पीछे की तरफ से कि वेव्स ना रहें तो आपने क्या करना है, ये आगे की तरफ करने हैं और फिर बालों को हेयर को इससे प्रेसिंग से प्रेस करना है। उससे क्या होगा, जो पीछे आपके वेव्स होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लुक आएगा। आप देख सकते हैं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देखिए ये मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं और बिल्कुल लुक वैसा आ रहा है जैसे मैंने प्रेसिंग मशीन से किया हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको हेयर स्टाइल के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको जो ईजी हेयर स्टाइल होंगे जो आप अपने आराम से कर सकते हैं अपने ऊपर मैं आपको वो भी बताऊँगी। आप देखिए स्ट्रेट मेरे बाल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।